इंदौर में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने महाराष्ट्र के अकोला से गिरफ्तार करने में आरोपियों को सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी महाराष्ट्र के अकोला में छिपा हुआ है, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने अकोला पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने कई चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। अकोला से इसको पकड़ा गया है, अकोला के पास से। महाराष्ट्र में इसने कई बड़ी नकबजनियाँ की हैं, लेकिन मूलतः रहने वाला बाणगंगा क्षेत्र का है, बाणगंगा क्षेत्र का है। और यहाँ पे भी इसने अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जिसमें जूनी, इंदौर, तेजाजी नगर, एरोड्रम और कई छह क्षेत्रों में तीन तीन चार चार वारदातें पिछले दो सालों में इसने बहुत सारी नकबजनियाँ की हैं। इसके साथी जो हैं, मुख्तार दो तीन साथियों के से नाम बताएं जो अलग अलग जगहों के हैं, उनका पुलिस अभी तस्दीक कर रही है, क्योंकि इसके पास से ही लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की समझ। इससे महाराष्ट्र की पुलिस संकल्प कर रही है। अकोला में इसकी कई दर्जन, आधा दर्जन से ज्यादा चोरियां इसने अकोला में कर रखी है, महाराष्ट्र में, गुजरात में कर रखी है। पुलिस, वहां की पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई है, वहां सूचना देकर के यहाँ से पूछताछ के बाद सूचना उन्हें भी दी।